हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 13.1 करने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर रहेगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे फॉर्मूले हमने कवर कर लिए हैं। आप अगर चैनल पर जाएंगे प्लेलिस्ट में, आपको क्लास 10th मैथ्स में वो वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप सारे फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं और उसके बाद इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। हमें जो है स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। अगर स्टेटमेंट हमें समझ में आ गई कि हमें गिवन क्या है और हमसे पूछा क्या है, तो हमारा क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। भाई दो क्यूब हैं जिनकी वॉल्यूम, हर एक की वॉल्यूम कितनी है, 64। आगे कहा फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। भाई दो क्यूब हैं, मान लीजिए एक ये क्यूब है, तो जो ये क्यूब है और एक क्यूब और है, भाई इसकी वॉल्यूम 64 है। मान लीजिए इसकी साइड जो है क्या रहेगी, ए, लेट द साइड ऑफ अ क्यूब इज ए सेंटीमीटर। भाई मैंने साइड क्या मान ली, ए सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना गिवन है आपको, 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला कल हमने किया था, जो प्रीवियस क्लास थी, क्या कि साइड का क्यूब होता है, तो साइड का क्यूब और ये क्या आएगा, 64। भाई 64 किसका क्यूब होता है, आप कहेंगे सर 4 का, तो क्यूब से क्यूब हटा तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 4 सेंटीमीटर। भाई ये क्यूब है, इसकी हर एक साइड 4 सेंटीमीटर है, हमने एक क्यूब और अटैच कर दिया इससे, जो कि मान लीजिए ये है, तो ये क्यूब और अटैच किया, तो अब ये रिजल्टिंग क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो जो ये टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ इस क्यूबॉइड की कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर, यानी कि क्यूबॉइड की लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ तो उसकी उतनी ही रहेगी, क्योंकि हमें एंड टू एंड जॉइन करना था यहां पर, तो इसलिए बी की वैल्यू क्या रहेगी, 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी सेम रहेगी, तो एच की वैल्यू भी क्या रहेगी आपकी, 4 सेंटीमीटर। अब आपको इस क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालनी है या क्या, फाइंड द सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया कैसे निकलता है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वैल्यूज अगर पुट करें, सो 2 एल बी लेंथ इंटू ब्रेथ, 8 4 जाए कितना हो जाएगा, 32, तो मैंने यहां 32 लिखा, प्लस b इंटू एच, 4 4 जा 16, तो मैंने 16 लिखा, और h इंटू एल, 8 4 जा अगेन क्या हो जाएगा, 32। तो ये कितना आ गया आपका, 32 64 70 80, तो इंटू में 80 कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वेयर, कितना रहेगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। आपको क्या करना है कि पहले ये देखना है स्टेटमेंट पढ़कर, गिवन क्या है और पूछा क्या है। यहाँ पर इसने कहा था भाई दो क्यूब हैं और हर एक की वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के फॉर्मूले से मैंने साइड निकाली, जो साइड है इसने कहा एंड टू एंड ज्वाइन कर रखा है, तो लेंथ कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ उतनी ही रहेगी और हाइट उतनी ही रहेगी। अब हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना था, फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगर सभी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आ गया, तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। भाई हमारे पास एक क्या है, होलो हेमिस्फीयर है, और होलो हेमिस्फीयर के ऊपर एक क्या है, होलो सिलेंडर है, तो ये मैंने सिलेंडर मान लिया यहां पर, जो कि कुछ ऐसा रहेगा। भाई यहां पर नीचे क्या है, एक होलो हेमिस्फीयर और इसके ऊपर होलो सिलेंडर,
इतना क्लियर। आगे इसने कहा द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है इस हेमिस्फीयर का वो 14 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि सर 7 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस हाफ होता है डायमीटर का। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। इस वेसल की टोटल हाइट कितनी है? 13 सेंटीमीटर। अब ये चीज भी आपको अच्छे से पता है कि अगर ये 7 है तो ये इतना भी क्या होगा? 7, तो ये ऊपर वाला कितना बचेगा? सिलेंडर की हाइट कितनी बचेगी? 6 सेंटीमीटर। कितनी बचेगी भाई? 6 सेंटीमीटर। आगे क्या कहा? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस वेसल का हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, वेसल का जो इनर सरफेस एरिया है वो किसके इक्वल रहेगा? CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। भाई इसी के इक्वल रहेगा। अगर मैं हेमिस्फीयर का एरिया प्लस सिलेंडर का एरिया ऐड कर देता हूं तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा वेसल का। अब देखिए यहां पर जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? आप कहेंगे सर 2πr². और जो सिलेंडर है इसका क्या होता है? आप कहेंगे कि सर 2πrh। यही होता है भाई। अब दोनों से देखो कॉमन आ रहा है क्योंकि रेडियस सेम है, तो दोनों से कॉमन क्या आ गया? 2πr। अंदर क्या बचेगा? यहां तो r बच गया और यहां पर h। तो वैल्यूज अगर पुट करें, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू क्या है? 7 है, 7 + 6 यही रहेगा। इससे ये कैंसिल आउट हुआ तो कितना रहा? 44 × 7 + 6 = 13। अब 13 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा? 3 × 4 = 12 और 4 × 1 = 4 = 5 = 52 और अगेन 52 × 2 = 7 = 5। तो कितना आ गया आपका? 572। कितना रहेगा भाई? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं यहां पर टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया जो हेमिस्फीयर का है इसका एरिया प्लस में सिलेंडर का एरिया, अगर इनको ऐड कर देंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या कहा? अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। भाई एक टॉय है और जो टॉय है उसमें क्या होता है कि एक हेमिस्फीयर है, मान लीजिए ये हेमिस्फीयर हो गया, और इसके ऊपर एक कॉन है। कॉन का और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है और रेडियस कितना है? 3.5 मीटर। तो ये 3.5 मीटर मैंने यहां से लेकर यहां तक लिखा, 3.5 मीटर। उसके बाद इसने क्या कहा? द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 मीटर। जो ये टॉय है इसकी टोटल हाइट यहां से लेकर यहां तक 15.5 मीटर है। अगर 15.5 मीटर ये टोटल है तो इस कोन की हाइट कितनी बचेगी? आप कहेंगे सर ये 15.5 है और ये 3.5 है इतनी, तो 3.5 इससे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 12। तो इस कोन की हाइट कितनी हो गई? 12 हो गई। कितनी? 12 मीटर। अब हमें क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉय का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय किसके इक्वल होगा भाई? CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कौन, क्योंकि अगर कौन और इस दोनों का अगर हम टोटल एरिया निकाल दें और ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा पूरे टॉय का। तो CSA भी लिख सकते हो या फिर आप यहां पर सरफेस एरिया भी लिख सकते हो हेमिस्फीयर का, क्योंकि इसका CSA नहीं होता, एक ही एरिया होता है।
उसके बाद भाई यहां पर सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है आपका, आप कहेंगे कि सर 2 पाई आर स्क्वायर, और सी एस ए ऑफ कौन क्या होता है पाई आर एल, दोनों का रेडियस सेम है, सेम होने की वजह से हम क्या यहां पर पाई और आर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहां तो बच गया 2r और प्लस में यहां क्या बच गया आपका l। तो अब हम ये हमें यहां पर l के वैल्यू निकालनी है, l के वैल्यू आपने पढ़ा क्या होता है अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो r की वैल्यू क्या है आपकी 3.5 का स्क्वायर प्लस में h, h की वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का स्क्वायर क्या आएगा 12.25 प्लस 144, इसको ऐड किया जाए तो कितना रहेगा अंडर द रूट 144 प्लस 12 कितना हो जाएगा 156.25, कितना रहेगा 156.25। अब ये किसका स्क्वायर होता है भाई 156.25 किसका स्क्वायर होता है, आप अगर देखें तो 12.5, अगर 12.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 12 हाँ भाई, तो किसका होता है 12.5 का, तो इसको हम 12.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे कटा तो कितना बच गया 12.5, कितना बचेगा भाई 12.5, तो L की वैल्यू 12.5 आ गई, यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे इसकी वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 3.5 है, 3.5 को क्या मैं 7/2 लिख सकता हूं, बिल्कुल सर, तो यहां पर मैंने 7/2 लिखा 2R, R की वैल्यू 3.5 है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और प्लस में क्या आ गया 12.5, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ गया 11, सो 11 into ये कितना हो जाएगा 19.5, तो 195 मल्टीप्लाई करेंगे 195 कितना हो जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 9 और 5 14, ये 10 और ये 2, ठीक है भाई। अब यहां पर मल्टीप्लाई क्या है 19.5 से, तो एक के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ गया 214.5 मीटर स्क्वायर, तो ये रहेगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया, तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या कहा, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, भाई एक क्या है क्यूबिकल ब्लॉक है, तो ये मान लीजिए कोई क्यूबिकल ब्लॉक हो गया और इसके ऊपर क्या एक हेमिस्फीयर रखा है, क्या रखा है हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, मतलब कि यहां इसके ऊपर एक मैंने मान लीजिए हेमिस्फीयर रख दिया, अब इसने कहा कि इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, देखिए जितनी साइड होगी इस क्यूब की उतना ही तो मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है, तो क्यूब की साइड क्या है 7 सेंटीमीटर, क्यूब की साइड क्या है भाई आपकी 7 सेंटीमीटर, तो इसलिए डायमीटर क्या हो सकता है, इसने पूछा डायमीटर द हेमिस्फीयर, तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, ग्रेटेस्ट पूछा है तो ग्रेटेस्ट कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर। अब इसने एक चीज और पूछी, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड किसके इक्वल रहेगा, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, देखो अगर हम यहां पर इसके ऊपर पेंट करें तो पेंट किस पर होगा क्यूब पर और इसके ऊपर, लेकिन जहां पर ये क्यूब रखा है ये गोल वाला हिस्सा क्यूब का ये बच जाएगा, इस पर पेंट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए क्या रहेगा एरिया ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और माइनस होगा एरिया ऑफ सर्कल, वो सर्कल जो क्यूब क्यूब रखा है मतलब ये रखा है हेमिस्फीयर के ऊपर, तो एरिया ऑफ सर्कल,
अगर वैल्यूज पुट करें, एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है भाई, साइड का क्यूब, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr² और इसका एरिया क्या होता है सर्कल का, πr². तो देखिए ये तो क्या आ जाएगा, साइड का क्यूब प्लस 2πr² माइनस πr² क्या बच गया आपका, πr². वैल्यूज अगर पुट करेंगे, ए की वैल्यू 7 है तो 7 का क्यूब प्लस 22/7, आर की वैल्यू अगेन क्या है 7, तो 7 × 7 ये क्या आ जाएगा आपका 343 प्लस, इससे कैंसिल आउट हुआ, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा 154 इसको ऐड करेंगे तो कितना रहेगा 4 × 3 = 7, 5 × 4 = 9 और 1 × 3 = 4, तो 497 cm². ये आपका आंसर रहने वाला है, तो एक बार इसको नोट डाउन करें उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या कहा, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। मान लीजिए भाई एक आपके पास क्यूब है, ये मैंने क्यूब मान लिया यहां पर, अब जो ये क्यूब है इस क्यूब में से एक हेमिस्फीयर कट आउट किया, क्यूब में से क्या किया भाई, एक हेमिस्फीयर कट आउट किया, तो मान लीजिए जो हेमिस्फीयर है वो ऐसे, ये हेमिस्फीयर जो है कट आउट किया, जैसे आपने देखा होगा आइसक्रीम होती है एक ब्रिक मान लीजिए क्यूब की शेप में है और गोल गोल उससे वो जो आइसक्रीम है निकाल ली जाती है, तो वैसा कुछ आकार यहां पर बचा। अब इसने क्या कहा कि जो डायमीटर है वो कितना है, एल है, डायमीटर कितना है भाई एल, अगर डायमीटर एल है तो इस क्यूब की साइड भी कितनी हो गई, एल हो गई, क्यूब की साइड कितनी हो गई एल और डायमीटर एल है तो रेडियस क्या आ जाएगा L/2, रेडियस क्या आ जाएगा भाई आपका L/2। आगे इसने कहा डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो जो सॉलिड बच गया उसका सरफेस एरिया निकालना है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड भाई किसके इक्वल रहेगा, एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का एरिया प्लस एरिया, देखो ये एरिया और बढ़ गया तो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्या एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस, माइनस क्या होगा देखिए, जो क्यूब का एरिया था उसमें से एक सर्कल हट गया, अगर एक सर्कल हट गया तो सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सर्कल, तो वही पुट किया जाए, एरिया क्या होता है अगर आपको यहां पर एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है 6a². अरे भाई जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने एक गलती कर दी, अभी ध्यान आया मेरे को, वहां पर क्या साइड का क्यूब कर दिया हमने, एरिया का फॉर्मूला साइड का क्यूब नहीं आएगा, क्या रहेगा 6a², तो एरिया ऑफ क्यूब क्या रहेगा 6a², एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का एरिया आपका कितना रहेगा भाई, हेमिस्फीयर का एरिया होता है 2πr², ऐसे ही एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का क्या होता है πr², तो 6a² प्लस 2πr² माइनस πr² किसके इक्वल रहेगा 6a² 2πr² माइनस ये कितना रहेगा πr² अगर वैल्यूज पुट करें, a की वैल्यू l है तो l का स्क्वायर प्लस पाई, इसकी वैल्यू क्या है L/2 तो L/2 का स्क्वायर रख देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 6L² प्लस ये क्या आ जाएगा पाई L² और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं यहां से L² कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 6 + π/4, अगर LCM लेंगे तो LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा L² / 4 और यहां पर क्या आ जाएगा 6 × 4 = 24 + π, तो ये आपका यहां पर आंसर रहने वाला है, ये क्या रहेगा आपका आंसर। तो उम्मीद है इतना आप सभी को अच्छे से समझ में आया, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर सिक्स में इसने क्या कहा, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। भाई एक जो कैप्सूल होता है मेडिसिन का, उसमें एक तो सिलेंडर है और दोनों साइड क्या है, हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं। आगे इसने कहा द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। भाई टोटल लेंथ कितनी होगी, 14 मिलीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm और डायमीटर 5 mm है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर डायमीटर 5 mm है तो रेडियस कितना आ गया, 2.5 mm। ये भी 2.5 और ये भी 2.5, तो 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया 5। अगर टोटल लेंथ 14 है और ये 5 है तो ये बीच वाली लेंथ कितनी बच गई, 9 mm। यानी कि जो ये सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट कितनी बच गई आपकी, 9 mm। अब आपको एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ जो ये कैप्सूल है इसका एरिया निकालना है, तो वो किसके को रहेगा, CSA ऑफ किसका, CSA सिलेंडर का प्लस में आपका CSA ऑफ हैमी स्फीयर। अब आप कहेंगे कि सर दो हेमिस्फीयर है और दोनों एक जैसे हैं, तो इसलिए इसके एरिया को क्या 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब CSA क्या होता है भाई, सिलेंडर का पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच, और CSA हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इंटू में 2 है तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों से कॉमन क्या आ गया 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचेगा भाई h, और यहां पर क्या बच गया आपका 2r। वैल्यूज पुट करेंगे 2 पाई 22 बाय 7 r की वैल्यू, r की वैल्यू क्या है यहां पर 2.5 को मैं 5 बाय 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल सर। और h की वैल्यू क्या है 9 प्लस 2.5 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ गया, इससे कैंसिल आउट हुआ 22 बाय 7 इंटू 5, 9 प्लस 5 14, इसको सोल्व करेंगे 2, 5 टू जा 10, कितना आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया कैप्सूल का, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या कहा, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। भाई एक टेंट है, टेंट में क्या है भाई, नीचे यहां पर मैंने एक सिलेंडर मान लिया, तो ये सिलेंडर हो गया, और ऊपर एक कॉनिकल टॉप है, तो ये कॉनिकल टॉप हो गया, तो इस टाइप का एक टेंट है भाई। आगे इसने कहा इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। अगर सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट, जो ये हाइट है ये कितनी है 2.1 मीटर, और इसका डायमीटर कितना है 4 मीटर, डायमीटर कितना है भाई 2.1 और डायमीटर कितना है 4 मीटर, 4 मीटर डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर, तो 2 मीटर मैंने यहां पर रेडियस लिखा, ये भी कितना हो जाएगा 2 मीटर। आगे इसने कहा एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, और जो टॉप की स्लांट हाइट है यानी कि ये वाली स्लांट हाइट कितनी हो गई 2.8 मीटर। भाई इसने तो अब खुद ही स्लांट हाइट दे दी, तो ये हमें निकालने की जरूरत नहीं। आगे इसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, कि कितना कैनवास यहां पर यूज होगा। आगे ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, और अगर कॉस्ट 500 पर मीटर स्क्वायर रुपीज है तो टोटल कॉस्ट इसमें कितनी लगेगी। बिल्कुल ही आसान, आपको सबसे पहले एरिया निकालना होगा, तो एरिया ऑफ टेंट किसके इक्वल आएगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में CSA ऑफ कौन, अगर सिलेंडर और कौन दोनों का CSA ऐड कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा टेंट का। अब CSA सिलेंडर का क्या होता है भाई 2 पाई आर एच, दोनों का रेडियस सेम है, और CSA इसका क्या होता है सिलेंडर का, मतलब कौन का, पाई आर एल, दोनों से कॉमन क्या आ गया पाई आर कॉमन आ गया, क्या बचेगा 2h प्लस एल।
पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस कितना है भाई, रेडियस आप कहेंगे कि सर 2 है तो 2h, h की वैल्यू है 2.1, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और l की वैल्यू 2.8, तो ये कितना आ गया 22/7 इंटू 2, 4.2 प्लस 2.8 5.7 हो गया, ये कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया भाई 44 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितनी है 500 मीटर स्क्वायर, सो कॉस्ट किसके इक्वल आ जाएगी, एरिया को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 इंटू 500 कितना आ जाएगा 44 और 5 5 4 20 5 4 20 22 तो 22000, हाँ 22 यानी कि 22,000 रुपए ये कॉस्ट रहेगी टोटल टेंट की। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या कहा, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 मीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। हमारे पास एक सिलेंडर है और जो सिलेंडर है वो सॉलिड है, ये सिलेंडर मैंने यहां पर कंसीडर किया, तो इस सिलेंडर में से भाई पहले तो इसकी डायमीटर 1.4 है, अगर डायमीटर 1.4 है तो रेडियस कितना आ जाएगा 0.7 मीटर, और टोटल हाइट कितनी है 2.4, तो टोटल हाइट कितनी हो गई 2.4 मीटर। इसने क्या कहा, एक कॉनिकल कैविटी, ये सॉलिड है भाई, सॉलिड है तो इसमें से कॉनिकल कैविटी होलो आउट की गई, तो कॉनिकल कैविटी कुछ ऐसे मान लीजिए भाई सेम डायमीटर और सेम हाइट, ये और यानी कि इतना हिस्सा इसका निकाल दिया गया, अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का, तो टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड किसके इक्वल रहेगा भाई, भाई आपका सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कौन, प्लस में एक चीज और क्या भाई, ये सॉलिड है तो नीचे वाला सरफेस एरिया भी तो लेंगे, टोटल निकालना है तो इसलिए ये एक सर्कल वाला भी लेंगे, तो क्या एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अब सिलेंडर का एरिया क्या होता है भाई 2πRh, इसका क्या होता है πRL, और इसका क्या होता है πR2, भाई सभी का रेडियस सेम है तो इन सभी से कॉमन क्या आएगा, आप कहेंगे सर पाई और आर कॉमन आ गया, यहां क्या बच गया 2h, यहां क्या बच गया L, और यहां पर क्या बच गया R, तो ये चीजें बच गई आपकी। अब L की वैल्यू तो आपको नहीं पता, तो L की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी, L किसके इक्वल होता है अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा भाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रेडियस 0.7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.49, उसके बाद 2.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5.76, इसको ऐड किया जाए तो 0.49 प्लस में 5.76 कितना आ जाएगा 6.25, और 6.25 आपका किसका स्क्वायर हम कह सकते हैं 2.5, किसका भाई 2.5 का, तो इसलिए स्लांट हाइट यहां पर क्या आ गई 2.5 मीटर। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 0.7, तो 0.7 मैंने लिखी, एच की वैल्यू क्या है 2.4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4.8, ये क्या है 2.5 और 0.7, अब इनको सोल्व कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा भाई 0.1 आ जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.2, और ये कितना आ गया आपका 4.8, 2.5 और 0.7, ऐड करेंगे 15 और 5 22, ये कितना आ गया 4.68, 8.0 यानी कि 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा
22 इंटू 8, 8 टू जै 16, 1, 8 टू जै 16, 16 और 1 17, तो कितना आ गया 17.6 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया 17.6 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया रहेगा, तो एक बार इसको नोट डाउन करें। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहा भाई इसने, नाइन्थ, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। भाई एक सॉलिड सिलेंडर है ये, ऊपर से भी एक हेमिस्फीयर निकाल दिया और नीचे से भी एक हेमिस्फीयर निकाला। आगे कहा इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, अगर हाइट कितनी है, अगर ये जो हाइट है ये कितनी है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज, जो रेडियस है रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। बिल्कुल ही आसान, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल किसके इक्वल रहेगा भाई, एरिया यानी कि सीएसए ऑफ, सीएसए किस चीज का, आपका जो भी सिलेंडर है, प्लस में सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहां पर हेमिस्फीयर एक ये है एक ये, तो क्या दोनों ही जैसे हैं, टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने टू से मल्टीप्लाई किया। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, टू पाई आर एच, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर टू पाई आर स्क्वायर इनटू में क्या है टू, दोनों से कॉमन क्या आ गया टू पाई और आर, यहां क्या बच गया एच और यहां पर क्या बचेगा टू आर। वैल्यू पुट करेंगे टू, 22/7, आर की वैल्यू क्या है भाई 3.5 को क्या मैं 7/2 लिख सकता हूं, आप कहेंगे सर बिल्कुल, एच कितनी है 10 और 2 आर, आर की वैल्यू 3.5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 7 आ गया, इससे कैंसिल आउट हुआ इससे ये, तो कितना बच गया 22 इंटू 17, तो 17 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना रहेगा 34, 374, तो 374 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इसका आंसर आपका ये रहेगा। तो उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको जो क्लासेज है वो कैसे लग रही हैं भाई। क्वेश्चन और जो फिफ्थ या सिक्स क्वेश्चन था उसमें मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूब ले लिया था, ए क्यूब नहीं, वहां पर क्या लेना है आपको सरफेस एरिया यानी कि 6a स्क्वायर यूज करके उसको सोल्व करना है भाई, तो उसको करेक्ट कर लेना। ये मत कहना, कमेंट में मत लिखना कि सर आपने वो क्वेश्चन गलत करा दिया, जल्दबाजी में मैंने वहां पर वॉल्यूम ले ली है, तो उसको आप करेक्ट कर लेना। तो उम्मीद है इतना आप सभी को अच्छे से समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सो आर यू लुकिंग फॉर अ बेस्ट कोचिंग क्लास अराउंड यू, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस आई एम प्रीटी श्योर यू डू। So presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do. Because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct, you see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point, that is occasional motivational classes and regular PTNs.
आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.